एक बॉलीवुड सुपरस्टार के बेटे उन 10 लोगों में से एक थे जिनको NCB द्वारा बस्ट किया गया। बता दे कि एक क्रूज में बस्ट किया गया जो मुंबई से रवाना हुई थी सैटरडे नाइट को। टॉप सोर्सेस से पता चला है कि NCB ने ये रेड कॉर्डिलिया क्रूज में मारा था, और ये रेड जो था वो तब मारा था जब ये शिप मुंबई से डिपार्ट हुई थी। इस रेड में ड्रग्स सीज किए गए जैसे कि कोकेन, हशीश और MD। वहीं एक्टर के बेटे भी इन ड्रग्स के पोजेशन में पाए गए, तब जाकर उनको बस्ट किया गया। वहीं बता दें कि फ्रेटर्निटी ऑफ फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ सामने आ रही है। NCB सोर्सेज द्वारा ये पता चला है कि एजेंसी मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर को एक टिप ऑफ हुआ था, जिसके बाद उन्होंने अपने टीम के साथ इस शिप को बोर्ड किया, और जैसे ही पैसेंजर्स आए और ये शिप मुंबई से रवाना हुई, वैसे ही मिड सी में एक पार्टी शुरू हुई जहां पर ड्रग्स कंज्यूम होना शुरू हो गए। प्रेजेंटली ये बॉलीवुड स्टार के बेटे को सिर्फ बस्ट किया गया है और उनसे क्वेश्चनिंग अभी भी चालू है। साथ ही में उनका फ़ोन भी सीज कर दिया गया है, क्योंकि फ़ोन से उनके चैट्स और मैसेजेस पढ़े जा रहे हैं। जब ये कन्फर्म हो जाएगा कि उन्होंने ड्रग्स कंज्यूम किए थे इस पार्टी में, तो इस सब के बाद इस सुपरस्टार के बेटे को अरेस्ट कर लिया जाएगा।